अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अफरीदी बाबा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सरहद यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, आप लोग कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए और किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह अच्छी सी वीडियो बना सकूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा। तो आप लोगों ने अपना ब्राउज़र खोलना है, इस पर क्लिक करना है और आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फर्स्ट वाले लिंक पर आप लोगों ने क्लिक करना है और आप जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो ऑनलाइन का जो कीवर्ड है ये पॉप अप हो रहा है। तो आप लोग अगर देखें तो यहाँ इसका जो कलर है वो भी रेड हो चुका है। तो आप लोगों ने यहाँ से इस पर क्लिक करना। इससे पहले आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोग कौन कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो भी प्रोग्राम से आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ नीचे आके यहाँ पे एडमिशन ओपन फॉल 2021 रीड मोर पे क्लिक करना है आप लोगों ने। और आप लोगों के सामने यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है जो कि अखबार में भी आ चुका था, आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखें और फिर इसके बाद आप लोगों ने अप्लाई करना है कि आप कौन कौन से प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इंजीनियरिंग फैकल्टी है यहाँ पर बी एस सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और इस तरह सिविल इंजीनियरिंग, फिर इसके बाद टेक्नोलॉजीज है जो कि बी सी सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इस तरह बी सी इलेक्ट्रिकल, और फिर इसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड आईटी के जो बी एस कंप्यूटर साइंस, बी एस इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन, और फिर इसके बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो कि ए डी कॉमर्स, बी एस कॉमर्स और इस तरह ए डी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर इसके बाद जो कि एलाइड हेल्थ साइंसेज है एंड फार्मेसी, और फिर इसके बाद बायोलॉजिकल साइंस है, फिर इसके बाद हेल्थ साइंसेज है, और ये जो लास्ट है इस तरह एजुकेशन आर्ट्स एंड डिज़ाइन एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, स्पोर्ट्स साइंसेज एंड फिजिकल एजुकेशन और इस तरह उर्दू। इस प्रोग्राम में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे जो हॉस्पिटल अटैचमेंट्स है आप लोग इसको भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे हाउ टू अप्लाई आप लोगों के सामने यहाँ पे जो लिंक है भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्कॉलरशिप वगैरह का डिटेल है आप इसको भी पढ़ सकते हैं कि किस तरह इसका स्कॉलरशिप क्राइटेरिया होगा। तो आप लोग यहाँ पे ये जो स्कॉलरशिप फ्री एजुकेशन 15% कंसेशन और इस तरह 20% कंसेशन, 50% कंसेशन और नीचे आके 100% कंसेशन एंड ट्यूशन फी फॉर द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को तरीका बताऊँगा कि आप लोगों ने किस तरह अप्लाई करना है। तो अप्लाई के लिए मैं बैक बटन पे क्लिक करता हूँ ताकि आप लोगों को अप्लाई का तरीका बताऊंगा। और यहाँ पे सबसे पहले जो मेन पेज है आप लोगों ने यहाँ से ऑनलाइन एडमिशन पे क्लिक करना है। और आप जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो डैशबोर्ड ओपन हो जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन एडमिशन फॉर डिस्टेंस लर्निंग और फॉर कैंपस मेन कैंपस। तो मैंने मेन कैंपस पे क्लिक किया और आप जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये प्रोग्राम शो हो रहा है कि आप लोग कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो। तो आप लोगों ने यहाँ पे जो भी प्रोग्राम आपका हो आप उसको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ मैंने बीएस डिग्री एंड बायोटेक्नोलॉजी पे क्लिक किया, ताकि मैं सिर्फ आप लोगों को तरीका बताऊंगा कि आप लोग किस तरह इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपने एक अकाउंट क्रिएट करना है, क्रिएट साइन अप और क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है आप लोगों ने। और आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों ने अपना नेम और फादर का नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस और इस तरह पासवर्ड देना है। तो सब आई एम नॉट अ रोबोट इस पर क्लिक करना है और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर इसके बाद आप लोगों ने साइन इन पे क्लिक करना है, जो कि आप लोगों को मैं बताऊँगा कि यहाँ पर ऑलरेडी एक साइन इन का लॉग इन मी लॉग मी इन, आप लोगों ने फिर इस बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों ने वो फील्ड मैंशन करना है। फिर इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे लॉग इन करना है और बकाया मुकम्मल प्रोसेस करना है। तो ये शॉर्ट सी वीडियो थी, बकाया वीडियो बड़ी हो जाएगी तो इसलिए मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।